भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने आज सीएम विंडो की समीक्षा बैठक में 3 से भी अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह जानकारी पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष OSD भूपेश्वर दयाल ने दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष OSD भूपेश्वर दयाल ने बताया कि आज की बैठक में सीएम विंडो सोशल मीडिया तथा एक और अन्य विभाग की बैठक ली गई है। इस बैठक में समीक्षा के बाद पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए 80 लाख रुपए का अधिकारी ने गबन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर एक और अधिकारी पर भी 20 लाख रुपए का गबन का साक्ष्य मिला प्राप्त है। उन पर भी FIR दर्ज कर रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। OSD ने यह भी बताया कि एक और कर्मचारी पर भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिस पर आरोप है कि उसने बिना बीज खरीदे ही फर्जी बिल लगाकर सरकार को लाखों की चपत लगाई है। बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोग कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर विभिन्न 5 मामलों में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राकेश गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास पर सीएम विंडो और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल भी उपस्थित रहे। बहादुरगढ़ में बैंक खाते से 88 लाख रुपए निकाले जाने के मामले में स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एक मामले में जूट की 50,000 बोरी गायब होने पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही 2012 के इस मामले में अब तक ठोस कार्यवाही नहीं होने पर मामले को लंबित करने के लिए जिम्मेदार अफसरों की भी जवाबदेही तय करने के लिए विभाग को कहा गया है। फतेहाबाद के हरको बैंक में हुए 74 करोड़ के लोन गलत तरीके से दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने पर FIR दर्ज कराने और गंभीरता से मामला जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के सिरसा के एक मामले में कृषि उपकरण खरीदने और बेचने में धांधली करने के मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश देते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को अगली मीटिंग में मामले की डिटेल प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। गबन के एक मामले में फाइल समेत भूमिगत होने वाले ETOP के शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज कराने और इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सीएम विंडो की शिकायतों के प्रति अति लापरवाही बरतने पर सेक्रेटरी समेत 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तत्कालीन SMO कुलविंदर कौर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डबवावली की एक निजी कंपनी के साथ मिली भगत करके गलत बिल जमा कराने का इन पर आरोप है। वन विभाग की कालका और यमुनानगर में जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्यवाही करने में ढिलाई बरतने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग की फरीदाबाद में जमीन पर कब्जे के मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ से संवाददाता खुशबू नेब की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो मासिक बैठक सीएम विंडो की होती है वो डॉक्टर राकेश गुप्ता और मैंने साथ में मिलके ली है। उसमें मुख्यमंत्री जी के 3 प्रोग्राम जो सीएम विंडो, सोशल मीडिया ट्रैकर और हरपथ के बारे में बैठक की और उसकी समीक्षा के दौरान काफ़ी ज़्यादा बल्क होने के कारण आधी बैठक को हमने स्थगित किया है। जो बैठक में अभी तक मामले आए तो मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 3 FIR दर्ज कराने के जो एक आदेश पारित हुए हैं। एक 88 लाख रुपए के गबन के मामले में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का है, उसमें अर्बन लोकल बॉडी के सेक्शंस ऑफिसर हैं श्री परमजीत जाखड़, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए गबन की और उसकी रिकवरी करने के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किए गए हैं। इसी तरह से 88,68,000 रुपया के गबन के बारे में सेक्शंस ऑफिसर हैं परमजीत जाखड़ झज्जर के, उनके विरुद्ध FIR की गई है। और एग्रीकल्चर विभाग का रिव्यू करते हुए FSC जो ब्रांच होती है इनकी, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं श्री अनूप कुमार गाचरी और अकाउंटेंट है योगेश कुमार और असिस्टेंट है गुरबख सिंह, उनके विरुद्ध 20,37,000 का गबन सिद्ध होने पर और इसकी आगामी कार्रवाई पुलिस को देते हुए FIR दर्ज करा के वसूली के भी आदेश पारित किए गए हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर विभाग के असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर श्री जसविंदर सिंह जो कि सिरसा में पोस्टेड थे और ADO FIA नीरज सिंह और नवभारत सीड्स में फर्जी बिल बनाने के बारे में और
एक ही बिल से बार बार कई करोड़ रुपए का विड्रॉल करने के बारे में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर FIR दर्ज कराने के निर्देश किए गए हैं और इनसे वसूली करने के भी आदेश किए हैं। आज की बैठक में इतना हो पाया। धन्यवाद। इस विषय पे बिल्कुल कई बार शिकायतें आई हैं। आज की बैठक में भी इस तरह के दो मामले सामने आए, जबकि संबंधित जो शिकायत थी उसी अधिकारी के पास पहुंच गई जिसके खिलाफ शिकायत थी। इसके ऊपर आज भी दो संशोर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिए गए हैं और सॉफ्टवेयर में ही अब इस तरह का एक प्रोविजन किया गया है कि ऐसी गलती हो ना पाए। अब अलग व्यक्ति को मिलेगी। दो शिकायतें आज भी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई, ये 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा कि जिस आदमी व्यक्ति के विरुद्ध है या जिस लेवल पे की शिकायत है उस लेवल पे जा नहीं पाएगी। 15 दिन के अंदर ही प्रावधान हो जाएगा। धन्यवाद। ले ले यार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.